शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास। प्रदेश के कोने कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। रोम के प्रसिद्ध प्रशासक व कानूनविद सिसेरो ने अपनी पुस्तक डी लेगबस में लैटिन में उल्लेख किया है, सैलोस पपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, अर्थात लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता एवं खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। प्रदेशवासियों की ओर अपने दायित्व का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए करना है। युवा विकास एवं कल्याण। युवाओं के प्रेरणा स्रोत्र स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर कैन बी बिल्ट। अर्थात बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है, माननीय सदस्य, जिससे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4,00,000 भर्तियां करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। नवी नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाना प्रस्तावित है। चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट्स के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रेलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने एवं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए मैं अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की मेंबर